आगे आलम एक बार ने कहा था कि ऐ करबला के साथ तो से शाद को लहूल तरक्की है तू पे लाश जिगर गोश ए बतूल इस लाल के लहू से तेरी प्यास उठ गई सैराब कर गया तुझे सुने रबे रसूल और मैं अक्सर शेर में आपके सामने हजरत खत्म देखिए इंशाल्लाह के करबला की करबला की जंग सारी ही बनाए के इंशाअल्लाह हर बच्चे के अंदर कुरान पढ़ने का जज्बा हो और
लोग कहते हैं कि वो मौलाना साहब या हाफिज साहब इंग्लिश पढ़ने से रोकते हैं। याद रखिए, मौलाना साहब या हाफिज साहब आपके बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने से नहीं रोकते, बल्कि कहते हैं कि कुरान पढ़ाओ, पहले इंग्लिश भी पढ़ाओ, लेकिन पहले कुरान की तालीम हो, पहले दीन की तालीम हो, उसके बाद अपने बच्चे को ये बनाइए, ये बनाइए, कोई आपको रोकता नहीं। देखिए आपके सामने हाजिर होता हूँ, समाप्त फरमाए कि बच्चों को अपने साहिब को बना बना हो, कि बच्चों को अपने साहिब को बना बना हो, कि बच्चों को अपने साहिब को बना बना हो, लेकिन तालीम, इस्लाम की तालीम, दुनियावी तालीम बहुत जरूरी है।
ताकि उनके आय खराब ना हो। आज स्कूलों में और कॉलेजों में उनके आय खराब किए जाते हैं, लेकिन इस्लामी अकीदा उनके अंदर जरूर होगा तो उनके अकीदे पटक नहीं सकते। देखिएगा मुझे के तालु से ये शेर हाजिर करता हूँ। Oh,